हेलो दोस्तों, आजकल आप सब तो यह देख ही रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते तेलों के दाम और महंगाई देश भर के लोगों के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हैदराबाद के रहने वाले सतीश कुमार ने उन्होंने अपने शानदार इनोवेशन से पुरानी बेकार प्लास्टिक को रिसाइकिल करके फ्यूल में तब्दील कर दिया है। सतीश बताते हैं कि प्लास्टिक से फ्यूल बनाने की प्रोसेस को पायरोलिसिस कहा जाता है। प्लास्टिक को पिघलाकर उसे फ्यूल बनाया जाता है और इस तरह के टेक्निक में हर तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सारा प्रोसेस वैक्यूम के अंदर होता है, इस वजह से इसमें एक बूंद भी पानी की जरूरत नहीं होती है और तो और यह हमारे वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सतीश रोज 200 किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके 200 लीटर पेट्रोल बनाते हैं, जिसे वह आसपास के लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में बेच देते हैं। सतीश ने यह बताया है कि यह पेट्रोल वाहनों के लिए कितना अच्छा है, यह तो टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। सतीश का यह इनोवेशन काफी शानदार है, जिससे कि हम आने वाले दिनों में अपने देश में ही फ्यूल बना सकते हैं, जिसके लिए आज हमें दूसरे देश पर डिपेंड होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह इनोवेशन कैसे लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल अनोद थिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं।